अपनी गाड़ी खड्डे में लगी हुई है, थोड़ा उसका निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं, उसको थोड़ा सा टाइट पे लेके आते हैं अच्छे वाले सरफेस पे, फिर यहाँ से निकलेंगे रोड के लिए, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। तो रात को इस गेस्ट हाउस में रुके थे, इसमें जैसे आप देख रहे हो, और इसके जस्ट पीछे फोर्ट भी है। तो अब यहाँ से सीधा निकल रहे हैं सेम ड्यूज के लिए, और ये अपनी बाइक आज क्या है, अभी ज़्यादा सामान लेके जाना नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ड्यून से देख के आना है। तो उसके बाद वापस गेस्ट हाउस में आएंगे, फिर फोर्ट वोट देखेंगे, और चलिए चलते हैं ड्यून सिखाते हैं आपको कैसा है। और जीप सवारी करने का तो अपना मूड है नहीं, तो बस जाएंगे पॉइंट टच करेंगे, एक दो फोटो लेंगे, वापस आ जाएंगे। यहाँ से रेडी हो गए हैं, यहाँ से निकलते हैं, पहले तो एक मस्त सी चाय पीते हैं, मस्त सी कचौरी खाते हैं, फिर अपना दिन स्टार्ट करते हैं हम। ओके यार, ये फोर्ट है, लेकिन फोर्ट में तो पानी वानी बहुत प्रॉब्लम्स है। अब सुबह हॉस्टल होटल वाले बताता है कि इसमें पानी की वजह से अंदर ही ख़राब होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अंदर होटल चल रहे हैं, उसके ज़्यादा डैमेज हो रहा है, खाली नहीं करते, केस चल रहा है गवर्नमेंट में, ऐसा वैसा वैसा। ओके जय बालाजी महाराज की जय हो। सामने ये भी कोई हवेली बनी है, बट ये होटल है हवेली, आई डोंट नो। बढ़िया है, ये मार्केट है जहाँ बाइक साइक्स रेंट पे मिलती है यहाँ पे, और ये जैसे थार है, धरा कुल धरा वगैरह वगैरह, तो लोग ट्रिप व्रिप करते हैं इससे ही। चाय की टपरी, अपने को जाना किधर है, मैंने मैप नहीं लगाया, मैं देख रहा हूँ पहले कहीं चाय पी लूँ फिर मैप लगाऊं, बट देयर आर नो चाय वालास। तो लेट्स सी। अरे भाई, सेम ड्यून्स का रास्ता ये है क्या? सेम ड्यून्स का, सेम का रास्ता। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, हम आ चुके हैं सेम ड्यून्स, सेम सैंड ड्यून्स आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, नगर निकास न्यास जैसलमेर। सैम ड्यून्स, वी आर कमिंग फ्रॉम जयपुर टू यू, एंड देखते हैं आप कैसे हो। यार रस्ते में यहाँ भी बहुत सारी पवन चक्कियाँ है, और इधर शायद रस्ते में कहीं से वो भी आता है कुलधरा गांव, जैसे अपने जयपुर में भानगढ़ है, वैसे ये भी कोई भूतों का गांव है, बिल्कुल खंडर है। शायद इसके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है कि गांव खाली हो गया था एक ही दिन में, एक ही रात में, एंड और पता नहीं, तो वो भी आते हुए देखेंगे कहां पर है। पहले अपन चल रहे हैं सैम ड्यून्स, और रोड ज़बरदस्त है यहाँ की। रोड पता है एक तो अच्छी क्यों है, एक तो इतने वी आई पी होटल्स है, रिजॉर्ट है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी रोड बना के रखेंगे। तो मतलब दोनों तरफ कुछ नहीं है रोड के, लेकिन रोड पे कोई खड्डा नहीं है, ये अच्छी बात है। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है सैम ड्यून्स, अकॉर्डिंग टू मैप 2 किलोमीटर आगे और जाना है,
बट यहाँ से मैप स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे लोग रोकते हैं हमें कि आप जीप सफारी कर लो, ये कैमल राइड कर लो, बट हमको वो करना नहीं है, तो इसलिए हम सीधा मेन पॉइंट जो एज ए गूगल मैप जो बता रहा है वहाँ निकल रहे हैं। लोग रोक रहे हैं लेकिन हमको ना तो रुकना है यहाँ, ना हमको डेजर्ट सफारी करनी है। क्यों करनी? अब मैं हमारे जयपुर में सामोत के बालाजी जाया हूँ, वहाँ हल्का सा टेलर उस पर घर चला बट यह अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ जो मेन पॉइंट रहता है जो बहुत दूर तक रहता है वो आप जीप से जा सकते हो, बाई बाइक आप नहीं जा सकते। और इधर पूरी लाइन है, एक्सप्रेस उसकी है, इनकी है, रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट की है। तो आप यहाँ कुछ खा पी भी सकते हो, यहाँ आप रुक भी सकते हो, नाइट स्टे भी कर सकते हो। नहीं भाई कैमल राइड तो नहीं करनी होता, ये बाइक कैसे लेके जा सकते हैं सैम में? ऊपर लेके जाए? नहीं लेके जाते हैं लोग? हाँ हाँ लेके जाते हैं। कैमल में जाते हैं? नहीं कैमल नहीं है भाई, बाइक। मजा आता कैमल में आएगा, बाइक में क्या आएगा? बाइक ऊपर लेके गए 70 पॉइंट बाद वापस लेके आए, फोटो लिया निकाला। नहीं नहीं इधर से चली जाती बाइक। हाँ थैंक यू भैया। चल लगे तो चलिए चलते हैं, लेट्स सी अपनी हाँ यार अपनी बाइक जाएगी नहीं जाएगी बात वो रह गई ना। मेरे को कहीं निशान नहीं दिख रहे स्प्लेंडर के, स्प्लेंडर के कहीं निशान नहीं दिख रहे। अब यार ये भी तो कंफर्म नहीं है ना। इधर 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 ओके चलने दो। अरे भाई वीडियो तो बना ले। ओके आगे चलने दो। हाँ फाइनली यहाँ पे गए, थोड़ी सी पता नहीं रोड क्यों बना रही है, ऊपर नीचे की रोड कहाँ गई, तो हम यहाँ तक तो आ गए हैं बिना किसी इशू के। अब मेरा प्लान है आगे तक जाने का, तो उधर चले नहीं चले ट्राई करेंगे। हैं चल इधर तो ट्राई करता हूँ मैं। आया दिल तो गई ये अब नहीं जाएगी। तो अपनी बाइक ऐसे कैसे स्टार्ट खड़ी हो चुकी है, थोड़ा सा टायर को रोल करा क्योंकि आगे चढ़नी भाई पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो यहाँ से थोड़ा फोटो वीडियो लेते हैं और बताते हैं कैसा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हेलो तो बाइक को जैसे मैं अभी थोड़ा उतार के लाया, उसके बाद का सीन ये है, यहाँ हमारे हेलमेट रखे हैं और ये सैम ड्यून से आगे भी और है बट आगे गए कौन जाए इतनी दूर, वैसे हालत बैठ जाएगी। वैसे तो जाके आने का प्लान है वहाँ ऊपर तक, वहाँ से देखेंगे कैसा नज़ारा है। और दूसरा मैं आपको बताऊँ तो हमारी बाइक की कंडीशन क्या है। ओके यहाँ पे क्या स्टैंड तो है नहीं लगाने का, ना पत्थर था कुछ, तो हमको खड़ी तो करनी थी, तो कैसे करें, तो फिर मैंने ऐसे किया ये देखो, फिर मैंने थोड़ी रेस दी, इसको स्ट्रेट किया, रेस दी और उसके बाद से थोड़ा टायर अंदर डाउन करके और बाइक अपने आप खड़ी हो गई। ये देखो ओ मेरे टायर भी बिल्कुल साफ हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है नया टायर है। और बस थोड़ी चेन अड़ने वाली थी, इससे पहले मैंने रोक दिया, चेन का नुकसान नहीं, वैसे भी अभी जाके इसको सर्विस कराने का सोचा है। और ये सैम ड्यून्स है तो आगे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कैसा दिखता है सैम ड्यून्स। कैमल सफारी का आनंद लेते हैं कुछ लोग, जेठालाल माइकल सब गोरा। हाय कैसा मजा आ रहा है?
सर धूल धूल मिट्टी बहुत आंखों में जा चुकी है। मजा आ रहा है। मजा तो आ रहा है। देखो अभी देखा आपने, मतलब यही है, यही मजा आता है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा तो नहीं है। वापस यहाँ से उसमें जाने का प्लान है। किसमें? कुलदर। ये भी प्रॉब्लम है यहाँ की, एक आप कभी भी गिर सकते हो धोरों पे चलने से। फिर ऐसे ऐसे मिट्टी ऊपर से नीचे आती रहती है। जैसे मैं रखूँगा ना यहाँ की मिट्टी किसके की थोड़ी, तो ऊपर से देखो ऐसे मिट्टी आने लग जाती है। हाँ, राइडिंग जैकेट में राइडिंग पैंट, सांस ज़्यादा चढ़ने लग जाती है यहाँ तो। चलिए बाइक निकालते हैं और निकलते हैं कुलदरा के लिए। गाड़ी खड्डे में लगी चुकी है, थोड़ा उसका निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं, उसको थोड़ा सा टाइट पे लेके आते हैं अच्छे वाले सरफेस पे, फिर यहाँ से निकलेंगे रोड के लिए, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। आप भी अगर स्पोर्ट्स बाइक लेके आते हो ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगी, निकालने में हालत बुरी हो जाती जैसे हमारी हो गई। तो यहाँ से निकलते अपन अब कुलधरा विलेज के लिए और वहाँ देखते हैं ऐसा क्या है, फिर वापस निकलेंगे होटल के लिए और फिर देखेंगे आसपास का जोधपुर फोर्ट, गढ़ीसागर लेक वगैरह वगैरह। तो घूम लिए से जितना हमको घूमना था हमारा प्लान में। तो अरे यार कपड़ों में मस्त वाली मिट्टी भरी हुई है और गाड़ी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से निकलते हैं जैसे जाने ट्रिप की, तो आने ट्रिप की, तो वैसे जाने में भी थोड़ी इश्यू हो सकता है। तो ऐसे निकलेंगे ऐसे करके सीधा, देन वापस कुलदरा। अरे रोहित इधर से
लूँ इधर से दूर। आ जा तक को दे दे। तो ये नहीं निकलेगी तो थोड़ा धक्का ही दे लेते हैं इसके। दो जी धक्का दो जी ये वापस हमने चाय पी थी तो थोड़ा कपड़े वपड़े झाड़ के।